संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं रचनानुवाद कौमुदी का हमने अध्ययन किया है तब से कुछ आपको लाभकारी से दवस रही होंगी। इसमें हमने लगभग 7 अभ्यासों को जान लिया है और 7 अभ्यासों में हमने बहुत सारे जो शब्दकोश है वो आपको अपने आप में इकट्ठे कर लिए हैं और वो आगे चल करके लाभ देंगे। आज से हम 8वें अभ्यास को जानेंगे और इसके थोड़ा सा 5 मिनट का समय हम लेते हैं शब्दकोश पर, क्योंकि शब्दकोश को देखना बहुत ज़रूरी है। हरे, अब इसमें जो प्रयोग किए गए हैं मैंने बताया ना, इसको बार बार उसी चीज़ को ये दोहराते रहते हैं। हरे ही, कवि ही, यति ही, अलग अलग रूप हैं इसमें। भूपति, सेनापति, प्रजापति, रवि, कपि, मुनि, अग्नि, गृह, मरीचि, ये सब इकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और इनके रूप हरि की तरह चलेंगे। तो इन्होंने नीचे लिख दिया, शब्द रूप हरि शब्द को पूर्ण रूप से स्मरण करो और देखो रूप संख्या 2, पहले पर राम था, दूसरे पर 2 है। तो आपको यह कंठस्थ करना है, बिल्कुल इसके अनुसार चलना है। और आशा कर रहे हैं देखने वाले जो भी हैं, जो भी इसको 1% भी कोई व्यक्ति देख रहा है या देख रहे हैं, तो वो इसको मैं जो बता रहा हूँ अपने पुस्तक अवश्य ले ही ली होगी और इसी के अनुसार आप इसका प्रयोग भी कर रहे हों। आगे है मेघा, दंडा, कंदुकः, इनके राम की तरह रूप चलेंगे। फिर है धातु, दह, ज्वल, तप, चर, वृष, गई, ये बिल्कुल नियमानी भवति वत ही चलते हैं। सहसा कम समम सार्धम एक सूत्र है, तृतीय व्यक्ति का आज से प्रयोग किया जाएगा। कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। पति समास एव, यदि पति शब्द के शब्द तो इकारांत पुल्लिंग की तरह अलग से चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो समास के साथ प्रयोग किए जाएंगे, जैसे भूपति है, इसमें जो प्रयोग है वो सीधे हरि की तरह ही रूप चलेंगे उसके, ठीक है। और इसमें लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया जाएगा। अवत, अवतम, अवन, अभव, विसर्ग वाला, अभव, अवतम, अवत, अभवम, अववा, अववाम, केवल इसमें बीच में मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग है, बाकी कहीं भी कोई भी विसर्ग नहीं है। हलंत इसमें सभी जगह है, अभवा, अववत, अववाम, अववाव, इन 4 को छोड़ करके। लंग लकार धातु से पहले आ लगेगा, बाद में संक्षिप्त इस तरह है, अपठत, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा, जैसे ई है एच्छत, आगम, आगच्छत, अस, आसीत, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें कर्ण कारक आ गया है और जाकर के आप कर्ण कारक को अच्छे से जान लें। बहुत अच्छे से समझाया है, विस्तृत रूप में समझाया है, इसमें तो बहुत ही कम दे रखा है, फिर भी इसमें साधक तमम कर्णम, अर्थात जो किसी चीज को प्राप्त करने में सहायक हो, साधक तम, तम प्रत्यय लगा हुआ है इसमें तमप, तो वो ज्यादा प्रकृष्ट कारक होता है, उसको तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है। कृत कर्णवोस तृतीया, कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है और कर्मवाच और भाववाच के कर्ता में भी तृतीया का प्रयोग किया जाता है। अब तक का कर्ता में कौन सा प्रयोग किया जाएगा ये नहीं बताया गया था। प्रथमा विभक्ति में जो हमने अध्ययन किया है उसमें कहीं भी कर्ता के बारे में नहीं आया है, ये मेरे कारकों में भी समझाया है, आप जाकर के उसमें देख लें। सही युक्ते प्रधान सह साकम समम सार्धम, ये पर्यायवाची शब्द है और इनके साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जो इनके साथ प्रयोग किए जाएंगे शब्द उनमें, ठीक है। इत्थम भूत लक्षणे, जिसकी जिससे पहचान हो उसमें सीधे लक्षण जो जिसका हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हेतु से भी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग, कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अभ्यास 8 है, लिख देते हैं। अभ्यास 8, अनुवाद जान नहीं रहे हम, कोई समस्या ही नहीं है उसमें, ठीक है। उदाहरण वाक्य को आप अपने से अध्ययन करें, हम सीधे संस्कृत पर चलते हैं, नहीं तो समय इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, और सीधे चलते हैं। राम गेंद से खेला, इसमें मैं 2-4 बताने का प्रयास करूंगा, फिर मौखिक देखेंगे। राम
गेंद से खेला, ठीक है। तो राम खेला है गेंद से खेला, भूतकाल यानी खेला, बीत गया, कभी खेला, तो भूतकाल में लंग लकार का इसमें प्रयोग किया जाएगा। हाँ ठीक है, राम गेंद से खेला, तो राम क्या है इसमें, करता है, करने वाला है, खेलने वाला है, तो राम, हाँ एक वचन का सीधे इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा। गेंद से खेला, जिसके साथ खेला जाए, क्योंकि वैसे भी अगर हम सीधा प्रयोग लगाएं चिन्हों के द्वारा तब भी ये सीधा वाक्य बन जाता है, लेकिन साधकतम करणम से भी हम इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, कंदुकेन, अक्रीडत, ठीक है। यति डंडे से चला, यति से तात्पर्य सन्यासी से है और दंड से, तो उम्मीद है ही समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम इसमें वैसे ही सीधे सीधे प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और बीच बीच में एक दो हम देख भी लेंगे बना हुआ। पहला ही देख लेते इसमें, सबसे पहले राम गेंद से खेला, खेला है राम गेंद से, यानी कभी खेला है और वो भूतकाल का इसमें सीधे प्रयोग किया जाएगा। राम, रामहा कंदुकेन अक्रीडत, ठीक है, बस इसमें इतना ही प्रयोग है चिन्हों के माध्यम से ही। कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, ये प्रयोग होता है ना से के द्वारा, तो से गेंद से, गेंद की सहायता से खेला, कोई खेल रहा है लेकिन गेंद की सहायता से, खेलने में सहायक कौन है, साधकतम कौन है, गेंद है, और ही कई तरीका हो सकते हैं खेलने के, लेकिन यहाँ गेंद शब्द का प्रयोग लगाया है इसलिए सीधे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक दो उदाहरण है उनको हम सीधे सीधे देखने का प्रयास करेंगे और जो कठिनतम होगा उसको देख लेंगे। यति डंडे से चला, तो यति ही डंडे से चला, ये भी सहायक है, तो दंडेन, डंडे की क्या है, दंडह, दंडेन अचलत, कवि ने गाया, कवि अगायत, आग ने नगर को जलाया, आग की अग्नि ही होती है इसमें, किसमें, इसमें क्या दे रखा है, इसमें अग्नि ही दे रखा है क्योंकि आग के बहुत सारे पर्यायवाची बन जाते हैं, तो अग्नि ही नगरम अतपत या अज्वलत, तपत नहीं अज्वलत, जलाया, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, तो सूर्य या रवि, इसमें रवि का प्रयोग किया गया है क्योंकि इकारांत सब चल रहे हैं, तो रवि ही मरीचि भी बहुवचन का प्रयोग होगा, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, ठीक है। तो सूर्य सीधे कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, किरणों से सहायता ली है, भाई किसी चीज को कोई कार्य कर रहा है, किससे कार्य कर रहा है, वो कार्य क्या है उसका, तपाने का कार्य है, तपाया, लेकिन कार्य किससे है, किससे तपाया, तो वो सहायक हो गया, सहायक में तृतीय लगेगी। मरीचि होती है इसकी, मरीचि, लेकिन मरीचि तो होती है शायद, मरीचि ही है, और मरीचि में क्योंकि हरी की तरह हरी भी, तो मरीचि भी बहुवचन का प्रयोग होगा इसमें। बहुवचन लोक कोप तपाया, तो कर्म हो गया लोक, तो लोकम, अतपत, ठीक है।
आगे है आग कब जली, अग्नि कदा अज्वलत। जलने की शायद कुछ और हो, देख लेते हैं इसमें। कभी कभी जलाना अदहत होता है, जलना ज्वलत होता है, तो नगर को जलाया, अदहत का प्रयोग किया जाएगा उसमें, अज्वलत का प्रयोग तो जलना होता है। आग ने नगर को जलाया, अदहत है ना, अग्नि नगरम अदहत, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। आग कब जली, तो यहां पर अज्वलत का प्रयोग किया है, अग्नि कदा अज्वलत। सन्यासी ने वहां तप किया, यति ही सीधा इसमें प्रयोग है, कहीं नहीं। सन्यासी ने यति ही तत्र, तत्र मानी वहां, तप किया, अतपत, सीधे तप किया कि अतपत की ही प्रयोग किया है, क्योंकि अतपत का, तपह का मतलब होता है ये, तप मानी तपस्या करना और तपना दोनों है। आगे है राजा कवि के साथ घूमा, यहां पे आया गया राजा कवि के साथ घूमा, तो राजा की हम जानते हैं। अब इसमें पता नहीं कौन सी दे रखी है, नृपः तो हमने पढ़ी है, इसमें भूपति ही का प्रयोग किया गया है, तो भूपति लगाएंगे, ठीक है, भूपति। हमने बताया था कि जो इसमें दे रखे होंगे हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा शब्द कुछ बढ़ जाए। भूपति ही साथ मिले, सह साकम समम सार्धम सूत्र के द्वारा, साथ जिसके साथ हो, याद रखना है हमें, जिस व्यक्ति के साथ हो उसमें होती है तृतीय विभक्ति। तो भूपति राजा है, किसके साथ, कवि के साथ घूमा। यदि ऐसा होता कि कवि राजा के साथ घूमा तो राजा में तृतीय विभक्ति होती, हाँ जो कवि है उसके साथ भ्रमण कर रहा है राजा, घूमने का काम कब कर रहा है, ठीक है। तो कविना सह, अब घूमने की भ्रम भी होता है, भ्रमति भ्रमता अभ्रमत, लेकिन इसमें कौन सी दे रखी है पता नहीं, इसमें है भी नहीं, चर, इसमें चर का लगेगा तो अचलत, ठीक है, अचलत यानी कि उनके साथ चला घूमा। तो भूपति ही कविना सह अचलत, कविना सह से तात्पर्य याद रखना है, हम कोई भी व्यक्ति जिसके साथ घूम रहा हो, जिसके साथ चल रहा हो, जिसके साथ कार्य कर रहा हो, सीधे उसी में प्रिय को जाता है। यहां राजा कवि के साथ घूम रहा है, राजा के साथ कवि नहीं घूम रहा, कवि के साथ राजा घूम रहा है, इसलिए कवि से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला है राजा के साथ सेनापति यहां आया, अब देखिए यहां थोड़ा आ गया, राजा के साथ सेनापति यहां आया, ठीक है। अब यहां पर साथ शब्द किसी, राजा के साथ, तो राजा के साथ आया तो राजा में सीधे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वहां कवि के साथ था तो यहां सेनापति रहा रहा है तो सेनापति कर्ता हो गया, अर्थात इसमें सीधे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो एक वचन प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसमें बन जाएगा सेनापति ही। आप समझ में आ गई, यहां अत्र आने की आगच्छत, ठीक है। अब इसमें संधियां भी हो जाएंगी बाद में, संधियां भी सीखेंगे। आगच्छत किसके साथ, भूपतिना, इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाएगा, भूपतिना, क्योंकि हमने पूरा जान लिया है सह के हमें मालूम है सह, भूपतिना सह सेनापति अत्र आगत। अब उम्मीद है ये पूरी बातें आपको दोनों वाक्यों के जरिए समझ में आ गया होगा। आगे है, इसको मिटा दें, आगे इसमें बोल रहे हैं जटा से सन्यासी ज्ञात होता है इत्थम भूत लक्षणे, है ना, क्योंकि जटाएं हैं, जटाओं से यति यानी कि सन्यासी नजर आ रहा, तो जटा भी तापस
या यति ही, बस इतना ही बनेगा इसमें। कवि ने किस प्रकार गाया, इत्थम मानी इस प्रकार, कथम मानी कैसे या किस प्रकार, इस तरह से पूरा प्रयोग कर सकते हो। इसमें देख लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा इसमें कहीं है। कैसे गाया और किस प्रकार गाया, दोनों सही हैं। तो कवि कथम अगायत, यति मुनि के साथ हरि के पास आया, इसको फिर बना लेते हैं। यति मुनि के साथ हरि के पास आया, हरि के पास आया, ठीक है। अब किसके साथ आ रहा, पहले हमें वो ढूंढ लो। आ गया, मुनि के साथ आ रहा है, तो मुनि में सीधे तृतीय विभक्ति। अब किसके पास, क्योंकि समयानिक्षा हमने पीछे जान लिया है, तो उसमें क्या बनेगा, अविता परिता समयानिक्षा, हा प्रतियोगी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हरि के पास आ रहा है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे हम। और बचा हमारा यति, यति से प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, तो यति ही मुनिना सह हरिम निकषा, समया जो भी करना चाहें, आगच्छत, ठीक है। यति ही मुनिना, मुनिना में क्यों लगाया हमने, क्योंकि इसमें ही सात का प्रयोग किया जा रहा है। हरिम, क्योंकि हरिम निक्षा शब्द का प्रयोग है, हरिम समीपम कर सकते हैं, आगच्छत, ठीक है। चलिए अगला है, पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपहा, ऊपरी ऊपरी, अधो अधा, ऊपरी ऊपरी, अध्योधा, ये हमने पिछले वाक्य में जाने थे। तो गिरी, गिरी शब्द का प्रयोग किया गया हुआ उसमें, हाँ गिरी ही है, तो ऊपरी ऊपरी जब भी प्रयोग किया जाएगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था ये पीछे का भी हमें स्मरण कराते चलते हैं अनुवादों में, तो हमारा जो स्मरण शक्ति वो मजबूत होती चली जाएगी। तो गिरिम ऊपरी ऊपरी, सूर्य अतपत, ठीक है, गिरिम ऊपरी ऊपरी, सूर्य अतपत। आगे है, राम बंदरों के साथ खेला, बंदरों के साथ खेला, कौन, राम, तो बंदरों में सह साकम समम सार्धम, सात का प्रयोग किसमें होगा, बंदर में, तो बंदर की इनमें कपी लगाई होगी क्योंकि इकारांत चल रहा है, इसमें है भी या नहीं, हरि ही का प्रयोग किया गया है बंदर के लिए, हरि का, विष्णु सूर्य किरण सिंह बंदर सब प्रयोग कर सकते हैं। तो रामहा हरिणा, हरिणा नहीं हरिणा, हरिणा बंदरों बहुवचन है, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिवी, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। रामहा हरिवी अक्रीडत खेला। आगे है, मुनि राजा के साथ बैठा, यति ही भूपतिना सह, उसमें मैंने शायद सह लगाया नहीं लगा, रामहा राम बंदरों के साथ खेला, इसमें सह लगाना पड़ेगा, याद रखना है, रामहा हरि भी सह अक्रीडत, मुनि राजा के साथ बैठा, यति ही भूपतिना सह अतिष्ठत। अब इसमें कौन सा लगाया है बैठने की, पता नहीं इसमें क्या होगा, आप इतना ही याद रखिए, अतिष्ठत लगा दीजिए, ठीक है। मेघ वर्षा, वर्षा की हमने जाना था, वर्षति वर्षता वर्षति रूप चलते हैं इसके सीधे सीधे, लेकिन अवर्षत क्यों, क्योंकि ये वर्षा इस तरह, वर्षा इस तरह से प्रयोग हो, तो मेघा, मेघा की मेघ ही है, राम के रूप चलेंगे। अवर्षत, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, तो कवि मुनिच या मुनिश्च विसर्ग हो जाए, सचा बन जाएगा। पुस्तकानी, अब इसमें पुस्तकानी है तो इसमें लिखी, अलिखत अलिखताम, मुनि और कवि द्विवचन है, थोड़ा बना लेते हैं इसको। कवि और मुनि
नए पुस्तकें लिखी। ठीक है, कवि और मुनि, तो कवि ही मुनि ही च, इस तरह से प्रयोग कर लो, या फिर मुनिश्च ऐसा ही प्रयोग किया जाएगा, संधि हो जाएगी उसकी, मुनिश्च। ठीक है, जो भी है, पुस्तकानी। अब लिखने की हमें पता है अलिखत अलिखताम अलिखन दो वचन, क्योंकि ये एक और दो, दो वचन का प्रयोग है, दो व्यक्तियां हैं तो दो वचन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रथमा का ही प्रयोग है। मध्यम पुरुष होता तो फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से ये प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले किसका प्रयोग हो जाएगा ये देखना पड़ेगा। तो बन जाएगा सीधा ये अलिखत अलिखताम अलिखताम। ठीक है, सीधा प्रयोग हो जाएगा। कवि ही मुनि ही च पुस्तकानि अलिखताम। आगे है राजा और सेना ने लोक की रक्षा की। भूपति ही सेनापति ही च लोकम अरक्षताम। ठीक है, दोनों का द्वितीय विभक्ति का सीधा प्रयोग उसमें भी हो जाएगा। भूपति ही सेनापति ही च लोकम अरक्षताम। आगे है यति ने सूर्य को नमस्कार किया, तो यति ही सूर्यम अनमत। यति ही सूर्यम अनमत। बंदर बालकों के साथ खेला। हरि ही, क्योंकि हमें हरि का इसमें प्रयोग करना है, हरि ही बालक के रूप किसकी तरह चलते हैं, राम की तरह चलते हैं। लेकिन इसमें बालक शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया इसे देखना होगा थोड़ा, क्योंकि कभी कभी दिमाग में से निकल जाती है चीजें, इसमें मुझे लग रहा है कोई भी इसमें प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो बालक के सीधे प्रयोग कर लो, रामहा रामौ रामहा, बालकः बालको बालकः बालकम 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 बालकेन बालकाभ्याम बालकः, इस तरह से प्रयोग होगा। तो हरि ही बालक ही सह अक्रीडत, इस तरह से ये पूरा प्रयोग कर लिया जाएगा। फिर इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हैं, आपको ये पूरे रूप लिखने हैं, हरि कवि रवि अग्नि मुनि भूपति लंगलकार के ये रूप लिखने हैं, पटलिक वगैरह के, और वाक्य बनाओ कब इसमें प्रयोग किया गया है, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, आपको ये पूरा करना है। तो मैंने ये पूरा बता दिया, आप अभ्यास करेंगे और कोई कमी होगी तो मुझे बताने का प्रयास करें, अगर ना समझ आया हो। वैसे मैंने इसमें एक भी छोड़ा नहीं है, सब बता दिए लगभग। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।